हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी अशद बलोच एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। यार आज सीन्स कुछ ऐसे थे, आप लोगों को लग रहा होगा मैंने हुडी वगैरह पहन के अभी बस नहा के निकला हूँ, मेरे बाल गिरे हैं इस वजह से मैंने हुड पहन लिया। इसके सीन्स ये थे कि यार मैं सुबह उठा, हम लोगों ने असल में करवाना था, मेन मकसद था मेरा जल्दी उठने का ये कि हम लोगों ने करवानी थी टिकट्स बुक, वो भी PSL की। ठीक है, तो भाई PSL में जाने का सीन बन रहा था हमारा, तो PSL की टिकट्स वगैरह बुक करवानी थी, उसकी डिटेल वगैरह ले रहा था मैं, ऑनलाइन बुक करवा रहे थे। अब भाई ऑनलाइन वेबसाइट उनकी ऑन करते हैं तो उधर लिखा हुआ आया 1 टिकट रिमेनिंग, मतलब एक टिकट रह गई है उनके पास सिर्फ, ऑनलाइन वालों के पास। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है, तो खैर मैंने बोला यार छोड़ो फिर एक काम करते हैं, अब अभी तो 4:30 हो गए मुझे ये काम करते करते शाम के। सो मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा यार कल सुबह जल्दी उठेंगे, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे आज का पूरा दिन और कल भी। तो कल जाएंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में तकरीबन 1:12 के टाइम पे जाके TCS ऑफिस से ऑटोवान से बुक करवा के आ जाएंगे। सो यार गाइस मैं क्या था किसी काम से बाहर, तो वहाँ से TCS की एक ब्रांच नज़र आई मुझे, मैंने सोचा यार कि जाके पूछते हैं कि भाई आप लोगों के पास टिकट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो कौन रो रहा है, किसका बच्चा रो रहा है जीब। खैर भाई मैं गया तो टिकट्स मैंने पूछी उनसे कि अवेलेबल है या नहीं, उन्होंने बोला जी बिल्कुल अवेलेबल है। सो हमने बाय कर ली हमारी PSL की टिकट। सो फाइनली भाई हमारा पक्का हो गया कि हम लोग जा रहे हैं PSL देखने। सो यार ये रहा मेरा मोबाइल और ये नहीं मेरी चाबी। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ, मीन्स हम लोग जा रहे हैं पहले बाइक बनवानी है, ठीक है, उसके बाद जाना है हम लोगों ने शहरी के घर पे। वहाँ क्यों जाना है, वहाँ है मुझे थोड़ा सा काम, वो काम जब हो जाएगा तो आप लोगों से भी शेयर कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। सो आप लोग भी दुआ करिएगा कि जो भी मेरा काम है वो हो जाए, सो फिर आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा, आपके लिए भी मेरे लिए भी। चलते हैं बाइक बनवाते हैं, कुछ खापा शापा लेते हैं, मीन्स के मैंने खाया पिया कुछ भी नहीं है, नाश्ता वगैरह तो वहाँ से चल के लेते हैं, छोटा मोटा सा कुछ खा लेंगे बाइक बनवा के, फिर चलते हैं शहरी के घर पे। सो भाई मैं आ चुका हूँ शहरी के घर पे अपने सारे काम वाम निपटा के, लेकिन मुझे हो गई थी देर तो इस वजह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं, अब यहीं से कुछ खा पी लेंगे। लेकिन एक बंदे को कहीं जाने की इजाज़त नहीं मिल रही, वो आपको खुद बताएगा। क्या हुआ तुम्हें बेटा, क्यों ऐसे मतलब इतना सा मुंह लटका के बैठे हो, क्या हुआ है, क्या हुआ, खुद बता रहे हो या मैं बताऊं? मैं बताऊं। भाई इसको चाहिए थी बर्थडे के मतलब इसको बर्थडे की दावत है, वहां जाने के लिए इसको इजाजत चाहिए, इसका जो बड़ा भाई है वो भाई इजाजत नहीं दे रहे। तो बेचारा ऐसे मुंह लटका के बैठा हुआ है, अब गलतियां खुद करते हो तो फिर झेलो ना। ट्यूशन नहीं गया, स्कूल में भी नाटक किया इसने, बुखार हो रहा है, मेरे को बुखार है, घर के लिए लेके जाओ, प्रिंसिपल की कॉल आ रही है, उसमें भी इसकी गलती, और फिर क्या बोलते हैं ट्यूशन जाने के लिए भी सो कर अभी उठा है, मैंने आके उठाया इसको, स्टंबल्स में आया हूँ और ये कपड़े पहन रहा था, ये सीन था। छाजो कूट था जो कूट अम्मी का पूछिए, डल हल हल इजाजत नहीं मिले, यहाँ इजाजत मिली भी नहीं, कौन मिलती भाई देखो, अगर इसको इजाजत मिलती है तो इसको हैदराबाद क्लब छोड़ने चलते हैं, हैदराबाद क्लब में है ना तो छोड़ने चलते हैं, फिर मेरे हवाले ही होगा, मैं ही छोड़ के आऊंगा इसको, वरना गाड़ी निकालते हैं फिर और आप ही को बोलते हैं चलते हैं सारे, कुछ खा पी के भी आ जाएंगे, तेरे को तो वहां उतार देंगे, मुझे तो दावत है नहीं, इसके दोस्त मुझे दावत नहीं दे रहे, तुम्हारे दोस्त बलोच साहब को दावत नहीं, अशद बलोच को। क्या माफी करना। खैर भाई देखते हैं इसका क्या सीन बनता है, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2000 years later. So guys, welcome back to another day. कल रात को गए थे शेरी के घर पे, ठीक है, वहाँ से फ्री होके अपने काम काज जो होते हैं वो करके आ गए थे घर, फिर अभी शूट का डे है तो शूट करने आए मैं और मिस्टर एंड मिसिस अब्दुल अली खान ज्यादा। तो यार शूट करने आया हूँ मैं ना, कब से इस बिल्ली के पीछे लगा हूँ, इसके साथ मुझे ना शॉट लेना है, लेकिन ये ना मेरे मुंह नहीं लगा रही यार, है वैसे प्यारी ये मुंह नहीं लगा रही मुझे। किटी हेलो, किटी हाउ आर यू, किटी हाउ पुट। चलो भाई अब दूसरे शॉट्स वगैरह हम अपने रिकवर करते हैं, ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। Yeah. Oh, yaar. Day 2.
यार गुड मॉर्निंग भाई, ये ब्लॉग पता नहीं कब से कंटिन्यू है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। खैर भाई, मैंने आप सबको पता होगा पीछे PSL की टिकट वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई थी। सो आज फाइनली वो दिन है, मैं जा रहा हूँ PSL देखने, लेकिन वो इस ब्लॉग में नहीं जाएंगे हम देखने। अभी सुबह के तकरीबन कोई 8-9 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। मैं उठ चुका हूँ, अभी 11 बजे तक मुझे निकलना है कराची, तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा। अभी पहले चलते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके आते हैं, तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद निकलते हैं कराची। तो भाई आ गया हूँ नाश्ता करने, मेरे साथ अली है और देव है। देव क्या हाल है, ठीक हो? ये तैयार बैठा हुआ है, तो इसके पीछे क्या मकसद है? मकसद तो कुछ भी नहीं है यार, भाइयों को नाश्ता जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। ये व्लॉग खत्म करेंगे हम, कराची वाला दूसरा बनाएंगे, सही है ना? ओके हो गया, अभी नाश्ता है, नाश्ता करते आपको दिखाता हूँ नाश्ता। आपका भी पेट में बोल रहा हूँ, आपके मुंह में पानी लाते हैं, फिर बस फिर खाते हो। ये लस्सी है, ये पूरी है, ये सालन है, क्या ये इसके लिए बता रहे? आलू का पता नहीं ना। हाँ जी, तू मथा नहीं तो जी, मैंने यार इतने पता नहीं क्या बोला भाई। हम खाते हैं, फिर चलते हैं घर। भाई हम नाश्ता वाश्ता करके अब आए हैं अपना, मेरे दोस्त दी वन एंड ओनली हारिस नागौरी। वालेकुम सलाम। 500 भैंसों का मालिक। क्या देने आए थे अपन इसको? ये बड़ी हुई लस्सी भाई, क्या नहीं करते नहीं। यार तुम चलते ना PSL देखने, बड़ा मजा आता है। चलो भाई अब घर चलते हैं, फिर इस व्लॉग को एंड करके नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं, और PSL का आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा, तो बी रेडी। तो यार मैं आ चुका था घर पे, अभी मैं स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि सारे सो रहे हैं भाई, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना। खैर इस व्लॉग को हम कर रहे हैं यहीं पे एंड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एक टुकड़ों टुकड़ों वाला व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बस अब कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा, इसके बाद वाला व्लॉग, अब वो इंशाल्लाह जब भी आए, लेकिन आएगा जल्दी। फिर आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो फिर रमज़ान की डेली रूटीन आपको शेयर करेंगे, तो इस वजह से फिर ये है कि जल्दी व्लॉग हम आप तक पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय बाय।